हर पासे अग लगी होनी आ, एडी वड्डी मंडी आ, ते दवाना सौदा बेच के जाना भाई गा आ जा टाइम ना स्टार नाले भाई हुआ मेला बसावांगे चढ़दे पंजाब वाले नु मेला बखाणा गुजर है असा सारिया खुनिया पिया खोल के बखा दे और भी कहंदे ता साहिब भाई बोलो की बोला चार चार सौ सारा भाई जी सारा ही चार सारा साढ़े चार अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातहू। आप देख रहे हैं निगेबान पाकिस्तान और मैं हूं आपका ताबेदार मुनीर शाह। जो शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं या स्टोरी देख रहे हैं या रील देख रहे हैं, फुल वीलॉग के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और फीडबैक का मैं मुंतज़र हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर है। ये आम का मैंने रेट बताया था 500 रुपये की, अगर 10-12 किलो भी होते ये देखो कितना सस्ता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में 50-60 रुपए कमाना भी तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कल एक आम खाया, किसी ने गिफ्ट दिया था, तो मेरे दो आंसू निकले थे किधर से किधर से, अपने वतन याद आया। और वो आम था असली वाला, मैं कहना कमाल का था, चौंसा था, आया नहीं अभी वहाँ, कहते लेकिन ये चौंसा पता फिर कहाँ से आ गया, तो था ये पाकिस्तानी, अगर हमने भी खाया तो ये नेमत की कदर किया करी जैसा भी मिले। हमारे एक रिश्तेदार थे तो वो एक आधा यहाँ में मिलता था, इससे में गुर्बत भी थी तो रेगुलर खाया करता था, ये बादशाह तो ये ज़रूर खाओ। अच्छा जी, ये तो ये बात हो गई, कदर किया करें पाकिस्तान की। ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले बिलावल ने जो रिएक्शन दिया है, वो जो अमरीका में जो कुछ हो रहा है, मैं तो खून के आंसू रो रहा था वहाँ पे, क्या हो रहा है तो कहाँ कहाँ मीटिंगें कर रहा है। और ये जो है इससे कम पढ़ा लिखा है मोदी, उसके देख लो वहाँ पे किस तरह इज्जत हो रही है, क्योंकि ये डाकू है, बेकारी है, कशकोल वाले कटोरे वाले, तो क्या इसका किया जाए। अच्छा जी, 5 साल की नायली का बिल हो गया जो मर्जी, तो वहाँ पे कोयटे में गए थे मोहतरम अलमकाम आर्मी चीफ साहब, वो कह रहे हमारे तो सियासत से कोई लिंक नहीं है, आपने पाकिस्तान बचाने का हलफ लिया हुआ है, तो ये उसकी तरफ पाकिस्तान बचाने नहीं, पाकिस्तान तोड़ने की तरफ ये कदम उठ चुका है वगैरह वगैरह। फैसल वाडा जो आता है वो हामिद मीर और ये मलक, ये जो ये कुत्ते बिले हैं हड्डी पलते हैं फैसल नसीर के, अवाम पे दहशत डालो टेरर डालो वगैरह वगैरह। कुछ बात हो फैसल वाडा की मैं मुतफिक भी हूँ, उसने तो डर की वजह से कोडेड बात की, हम गुफ्तगू करते हैं, मतलब तारिक जमील साहब कहते हैं मुझे रात ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया, आपके हाथ में फूल दिया, आपके हाथ में कोई किताब दे दी, मिसाल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं, तो आपका तो ये होता। वो फिर फैसल वाडा ने ये कहा था, तो वाकई ये बात सही है, ये बात उसने देखा भी था वहाँ पर, ये जा रहा है मास्टर ट्रायल के, जब से इसने वहाँ बच्चियों के निकाह कराए ना उनके, उस दिन से मैं इससे मुतनफर हो गया हूँ, इसको यजीद से भी बदतर मैं समझता, अगर किसी को बुरा लगे तो सत बिस्मिल्लाह, वो रास्ता जा रहा, आ जा बेटा आ जा, अगले 2 दिन उसने कुछ नहीं करना, वो टाइम पास कर रहा है, वो जो डब्बे लेके बैठा हुआ है, एक इंडिया की पता नहीं कौन सी फिल्म थी वो, उसमें नाना पाटी करके थी, इतना मुझे पता है, जब वो एक मुसलमान लड़का आता था, वेलकम में भी था, तो डब्बे बनाता तो डब्बे लेकर आता, तो ये भी वही है, आ जा बेटा आ जा डब्बे ले, कुछ नहीं होना है इस मुल्क का, पाकिस्तानी दफन होएगा। अच्छा जी, ब्रेकिंग न्यूज है शुरू होने लगी जी। सदर अलवी साहब आज करने टोर पे, पीछे से उन्होंने बिल भी पास करवा लिया, और संजय रानी ने फटाफट, संजय रानी का जब मैं बताऊंगा ना तो मैं कहता हूँ यार लोग कहेंगे यार तो हर वेले कीड़ा ही कटता रहना वगैरह वगैरह, जो माइंस की रेकोडिक और ये वो वगैरह, इनका माइंस का ही काम है ना, तो प्लाजे बनाए हुए जो दुबई में, इस वजह से टिका हुआ है, बाजवा साहब को मंथली देता था। अच्छा जी, बात किधर आ गई, बिल शिल दे देना मंथली होती क्या, जो जाके माँ नूर ने जाके शॉपिंग कर ली, चलो जी उसका बिल दे दो,
सदर साहब गए अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके, 52 बंदे जो है ना वो साथ लेके गए, बालक नाबालक साथ ही। आखिर ये मुल्क के सदर है जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, कुशकोलिस्तान के, ये नहीं आपके लिए नहीं है ये बड़ी खबर या ब्रेकिंग न्यूज, चलो आ जाओ। एक फुल जहाज भर के गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें ये मुख्तलिफ होता है, जो चीफ साहिबान होता है ना 18 आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वगैरह वगैरह, इनसे नाम मांगे जाते हैं, वो बजाय किसी गरीब को चपड़ासी को अपने अटेंडेंट को दें, वो अपने रिश्तेदारों के दे देते हैं। ये वो जहाज जाता ऑफिशियली भर के, और उसमें फिर हम जब शुरू शुरू में मोटरवे बनी ना तो उसमें सीट बाई सीट होती थी, तो जब ट्रांसपोर्टर ही भी रहे ना हम भी, तो मूड़े रख दिए थे बीच में लाइन में, तो काने कर लिए थे, तो इस तरह मूड़े रख के JUI के बंदे भी उसमें चले गए, कोटा तो गया ही गया, उनको भी जो हिस्सा बकदरे जुसा गया था। ये देख ले 14 लाख रुपए का हो रहा है, ये पाकिस्तान के खाते में डर रहा है वहां पे वगैरह वगैरह। वो जहाज भर के चला गया, नहीं ये भी आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि हमने वो आपको बताया कौन कौन उसमें जाते हैं वगैरह वगैरह। उसमें मरियम से लिस्टें ली जाती, नवाज शरीफ से, जरदारी से वगैरह वगैरह, ये सारी वगैरह वगैरह में आते हैं। नहीं आपको नहीं मजा आया, चलो अगली बात सुन। एक और जहाज भरा साथ, जिसका डंका नहीं बोल रहा क्योंकि तल्लत हुसैन के मुंह में हड्डी डाली हुई है, क्योंकि नुसरत जवेद के मुंह में किया हुआ, एक और कहता ये देखो नाम ना बगाड़ा करो, चलो ठीक है जी, ये हमारा नफरत का होता है इजहार, किसी का नाम बगाड़ना, हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। 101 दफ़ा कह दिया जब हम नहीं चलता तो ये भी नाम करें। अंता मौलाना फंसुन्ना लिल कौमिल काफरीन। अच्छा जी, एक जहाज भरा स्पेशल चला गया जी, उसमें कौन थे? एक तो इस कोटे में गए थे, उसमें जो लाइट माइंडेड जजेज हैं ना, जो इनकी फेवर करते हैं, मंसूर अली शाह, तारक, फिरतर मिनल्ला, क्या कहता था वो इसका बेनोई, दुद्धी रख बिल्ला अतर मिनल्ला, इस तरह करके लाहौर से, कराची से, KPK से और बलूचिस्तान से भी उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव गए वो जहाज भर के भी। चल भी जो इधर भी हम देखते हैं ट्रालर के पीछे ट्राला बांधा हुआ होता, वो जहाज के पीछे जहाज बांध के ले गया, एक और 350-350 बंदा ये चला गया। VIE की फ्लाइटें कैंसल, जो एक अद्धी जा रही थी तो वो कैंसल, जहाज इधर को तोड़ दिए। एक तो सदर साहब गए, आप कह रहे हमें पता है, एक ये गवर्नमेंट का जहाज गया, आप कह रहे ये पता, आपको ये नहीं पता था उसमें कौन कौन गया, समझे मेंबरान असेंबली गए, नहीं नहीं नहीं, उनमें स्पीकर साहब खुद चले गए, राजा साहब उसका भाई माँ SHO लगवा था, फिर बड़ा पॉपुलर होया टोने का, कहता मैंने तुझे लगा दिया है, अब मेरी यहाँ पे हुकूमत है, मेरा चलेगा वगैरह वगैरह, एक चांट मार देता तो अच्छा ठीक है। तीसरा हमने आपको बताया जो जहाज के पीछे जहाज को सिंगल डाउन करके, सिग्नल डाउन करके जो अटैच करके ले गया उसके साथ, उसमें मैंने हमने आपको बताया, तो ऐसी खबरें आपको कोई और नहीं देगा। आपके फीडबैक के मैं मंतजर हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।